चैनल, आज का बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आपको सबको पता है कि मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। हमारी शॉपिंग करने जाना है, मेरे को अपना गाउन लेने और शादी का लहंगा लेने भी जाना है, तो उसके लिए आज मैं जाने वाली हूँ। और मैं कहाँ जाने वाली हूँ, रोहिणी प्रीतमपुरा मेरे से बात हुई है। मैं डिज़ाइन करवा रही हूँ अपना गाउन पूरा अपने हिसाब से, जैसा मुझे पसंद है मैंने उसको डिज़ाइन भेजा, वो वैसा सेम मुझे बना के देगी। तो मुझे फैब्रिक देखने जाना है और एक जगह रेंट वाला भी देखने जाना है, तो दोनों में से जो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो मैं लूँगी। तो आज मैं ट्रायल पर जा रही हूँ, ये देखते क्या पसंद आता है, मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ। लेकिन उससे पहले मैं आई हूँ दीपांशु से मिल के जाऊँगी, उनके पैर में चोट लगी हुई है, तो डेली मुझे सुबह जब भी ऑफिस जाती हूँ कहीं जाती हूँ तो यहाँ से पहले मिल के फिर जाती हूँ। तो उनके लिए मैं ब्रेड पकोड़े लेकर आई हूँ। अभी देखते हूँ अंदर कौन है, सो रहे हैं क्या, और सो ही रहे होते हैं जब देखो, क्योंकि अभी 12:30 हो रहे हैं। खोलो गेट, खोलो उड़े पड़ा पता था। चलो ये लो ब्रेड पकौड़े लेके आई मैं, और मोटा करेगी सुबह सुबह। नाश्ता तो कर ही सकते हो, अब ये उठेंगे फिर कर लेंगे। उठ के पहले इनको मेडिसिन खानी होगी, फिर खाएंगे एक घंटे बाद। मेरे को जाना था, मैं पहले यहाँ से होके जाऊँ सुबह फिर जाती। चलो ये उठे हैं, ये उठे हैं, ये महाराज ये उठे हैं, ये है सुबह सुबह यही काम है ये। और उठ जा यार, उठ मोटा, उठ आप तो खा लोगे, आपको तो पसंद है। अरे यार क्या, मैं उन ब्रेड पकौड़ो का क्या करूँ मैं, देख 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 चिड़चिड़ा का। लो पानी, पानी लो। छोले भटूरे में सोच रही थी पहले छोले भटूरे ले आऊं, फिर मैंने सोचा कि ये छोले भटूरे पता नहीं खाएंगे कि नहीं खाएंगे, सुबह सुबह हम ब्रेड पकौड़े ले आए, चाय के साथ ब्रेड पकौड़े खा लेता, मुझे नहीं पता था ना। अब तुमने दवाई इतने बजे खाई है तो तुम 2:45 खाना खाओगे, ब्रेकफास्ट करोगे 2:45, देखो लंच होता है और ये ब्रेकफास्ट कर रहे, फेंक दिया उठा के। उठते ही हैंड फ्री, पुरानी है। हाँ पुरानी है, नहीं कहाँ है, रखी हुई है घर पे, कहाँ रखी है, घर पे बैग में मेरे, क्या क्या हुआ ले लो ना, पुरानी तो आवाज तो आती है इसमें भी। ये क्या थी ना, हेडफोन लगा के पॉटी करने जाना, हेडफोन गले में टांग लेंगे फिर वॉशरूम जाएंगे। लो आगे करो इसको, ये लो लो, और आराम से आराम से आराम से रखो पैर, नींद में मत चलो। टट्टी में जाओगे, दिखाऊंगी मैं। ये देखो मम्मी घर बैठे बैठे ही शॉपिंग कर रही है, इतना सुंदर है, ये देख कितना कलर प्यारा, फाइन। तो आप ही शादी पे पहनोगे, ओए शादी लाएगा तो फिर किसी ले लिया, घर में लिया है, ठंड है। मीशो से, इतने मीशो से कपड़े मंगाते हैं, ये गर्म कपड़ा है ना, कब सिलवा रहे हो, सही है बढ़िया लग रहा है। चाहती हूँ मैं ये पहन के, नहीं नहीं मैं कह रही हूँ आप घर बैठे बैठे शॉपिंग कर रहे हो, हमें बाहर जाके भी नहीं मिल रहे। मैं तो मजाक कर रही थी। महाराज आ गए आप, आ गए वॉशरूम से गाने सुन के, इतनी इतनी देर लगती है क्या है, आ गए बैठो सर। तुम तो यहाँ आके बैठ गई हो। हाँ मैं तो, तुम क्या सेवा कर रही मेरी, ए सेवा बैठ जाओ, चलो बैठ जाओ। मैं इतना डेली अप डाउन सब कर रही हूँ, तुम कह रहे हो मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर रही, उससे चलना है तुम्हें, स्लिप हो गया ना, ये स्लिपरी है ना थोड़ा सा प्लस का। चलो अब चाय वाय पियोगे, क्या खाओगे सर, ब्रेड पकौड़े लेके आई थी मैं, मैं नहीं खाता ब्रेड, सही डेली है। डेली ब्रेड पकौड़े, कल भी ब्रेड पकौड़े, आज भी ब्रेड पकौड़े, कल मैं कब लाई ब्रेड पकौड़े, यही तुम ब्लॉगर, मैं नहीं लाई कल ब्रेड पकौड़े, मैं आज लेके आई हूँ सुबह ब्रेड पकौड़े, ठीक है। अबे भाई चलो बाय बाय, मैं जा रही हूँ, ठीक है जी, ये लो पांच छोले, ठीक है मैं जाऊँ, मैं फोटो भेजूंगी, वीडियो कॉल करूंगी, दिखा देख लेना क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके बाय बाय, चलो 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 ऑटो ऑटो, बाय दादी, बाय बाय दादी, बाय मम्मी जी, इनको कितनी बार बोला जाता। तो ये महाराज, चलो भाई कितनी देर वेट कराओगे, 3 घंटे वेट करा ले तुमने मुझे, मैंने कराया कि तुमने कराया, हाँ अच्छा चलो जल्दी, चलो भाई हम चले शॉपिंग करने शादी की, क्या घर पे कुछ।
आपका नाम? इंदु। इंदु, हाँ आई इंस्टा आई पे ना। यहाँ से मैं अपना गाउन डिजाइन करवाने वाली हूँ। यहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस हैं। ये सारे आप खुद बनाते हो ड्रेसेस? हाँ, डिजाइन बाय मी। ओके, मैंने हाँ मंजू मैम की भी काफी ड्रेसेस देखी है। मैंने उन्हीं से नंबर लिया आपका। हाँ, मैं देखती हूँ कि अलग अलग ड्रेसेस डेली की ना बहुत अच्छी अच्छी होती है, इसलिए मैं सोचा आपसे कुछ डिजाइन करवाने की। जो जनरली मॉडल्स वगैरह डालते हैं हम लोग उनके लिए भी डिजाइन करते हैं। ओके, जो स्ट्रेट गाउन्स होते हैं समथिंग लाइक दिस, जैसे अगर इंडियन इंडो वेस्टर्न में देखना आपने। ओके, इंडो वेस्टर्न अच्छा भी है। वेडिंग ट्रोजेस भी हम लोग करते हैं। तो आप मिनिमम प्राइस कहाँ से वो करते हो स्टार्टिंग? मिनिमम जो जनरली ड्रेस का मिनिमम प्राइस है वो 5000 से स्टार्ट होता है। ओके, अगर आपको डिजाइन करानी है तो इनके स्कॉर्ड्स वगैरह रहते हैं जो डेली वेयर वाले होते हैं वो उससे रेंज कम भी हो जाती है, दैट गोज अराउंड 3000। कुछ तो मैं कोई ड्रेस डिजाइन, इसकी भी एक ड्रेस अगर आप डिजाइन कर दो इसकी एक ड्रेस एक मुझे अपने मतलब की एंगेजमेंट मेरी रिसेप्शन है वैसे तो होता है कि थोड़ा सेम ये बिल्कुल ना वो हो गई है तब से आई ऑटो में ये शरीफ नहीं है पर ये शरीफ बिल्कुल नहीं है ये ओ तेरे बाप घर पे। तो अभी हम सिर्फ कलर देख रहे हैं कि मेरे पे कलर कौन सा अच्छा लगेगा, तो कौन से कलर का गाउन बनवाना है। गाउन तो आपको बाद में पता चलेगा। एक बार फोन में देखने में ये कलर अजीब लग रहा है लेकिन नेचुरली देखने में अच्छा लग रहा है। ये कलर सुंदर लगता है, जैसे प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स जब उसको क्लिक करते हैं ना, अच्छा लग रहा है क्योंकि रिसेप्शन के अकॉर्डिंग जो इसमें गोल्डन वाला वर्क लग रहा है ना वो मुझे बहुत कंफ्यूजन हो गई। इतनी सारी ड्रेसेस ट्राई कर ली कलर के चक्कर में, पूरी गाउन तो मैंने पसंद कर ही रखा है कौन सा डिज़ाइन करवाना है मुझे, लेकिन उस गाउन में कलर क्या होना चाहिए वो समझ नहीं आ रहा। इसके लिए मैं 3-4 ड्रेसेस ट्राई कर चुकी हूँ। ये कलर नहीं, ये बहुत डार्क है। ये कलर पता नहीं, ये कलर गाउन में ना, एक ये कलर है। 4-5 कलर देख चुकी हूँ कि गाउन में कौन सा कलर अच्छा लगेगा, पर समझ नहीं आ रहा। मैंने इनको पिक्स भेजी है कुछ, देखते हैं क्या होता है। इतना कंफ्यूजन है यार कलर में, बहुत ज़्यादा मैं कंफ्यूज हूँ। वहाँ मैं गई शॉप पे तो वहाँ मुझे दिखाया, मुझे एक कलर ही पसंद आ गया, उसमें कलर पसंद आया डिज़ाइन पसंद नहीं आया। एक कलर मैं ढूंढ रही हूँ मुझे मिल नहीं रहा, और यहाँ मुझे लग रहा है कि लाइटिंग की वजह से शायद मुझे कलर नहीं पता लग रहे कौन से हैं। आप ना बाहर जाके देखो। नहीं ये उसके बाद ये लाइटिंग थी ना ज़्यादा, जैसे ये बल्ब वाली येलो वाली, तो उससे मुझे शायद वो कलर ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब वही कलर देख रही तो मुझे लग रहा है कि पता नहीं कौन सा कलर ले रही हूँ मैं। डल डल सा लग रहा है। ये ऑफ वाइट है, उस पर गोल्डन वर्क करेंगे तो अच्छा लगेगा। मेरा मेजरमेंट तो लिया नहीं, तेरा मेजरमेंट पहले ले रहे हैं। कुछू ये मेरी तरह बनेगा, मेरी तरह बिल्कुल सेम सेम कपड़े पहनेंगे हम दोनों, है ना। तो इसका मेजरमेंट पहले ले रहे हैं कि मैंने अपनी सेम ड्रेस इसकी भी सेम करवाई अपनी तरह। हम दोनों सेम सेम छोटा छोटा बाबू। तेरे बाल होते चुटिया करती दो कुत्त ऐसे करके, अब तेरे बाल ही नहीं है, तू ऐसी गंजी जाएगी क्या? नकली बाल लगा दूंगी, चल दे तेरे विग लगा दूंगी, दो कुत्त कर देंगे उस पर। ठीक है, ऐसे काम करने दे क्योंकि वो ड्रेस होगी ऊपर से गंजी कैसा लगेगा। आओ मेजरमेंट दो, आओ खुशो, आओ इधर आओ, आओ मेजरमेंट दो पहले। साथ में आ जाओ, तुम्हें तो इधर उधर हिलती रहेगी ये। मेजरमेंट दो, आओ ले लो बाबू, चलो आओ कुछ कर थोड़ी है। आओ जल्दी दो जल्दी। ड्रेस हो चुकी है फाइनल, ठीक है। तो अभी मैं एक 1 वीक या 3-4 दिन बाद आऊँगी उसको कलर देखने, तो उसका फाइनल डिज़ाइन तो मैंने फाइनल कर लिया है। कलर की कंफ्यूजन है तो 3-4 दिन बाद मुझे कंफर्म हो जाएगा, दोबारा आऊँगी। तो मेरा मेजरमेंट ये 3-4 दिन बाद ही लेंगे जब मैं कलर कंफर्म कर दूँगी। तो अभी ये नेक्स्ट टाइम ये आए ना आए तो इसका मेजरमेंट पहले लिया जा रहा है ना। कुछ
है ना कुछ तो मेरी ड्रेस कौन सी फाइनल हो गई यार, मैं आपको दिखाती हूँ रुको 2 मिनट। हम दोनों की ड्रेस सेम सेम है, तो वो डिज़ाइन फाइनल हो चुका है, कलर फाइनल नहीं हुआ है। तो डिज़ाइन मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सा है। उनके फ़ोन में सेंड करी है मैंने, ये देखो। तो हमारी ये ड्रेस फाइनल हुई है, इसमें अभी कलर नहीं हुआ फाइनल, तो कलर हम देखते हैं कौन सा करने वाले हैं। तो इसकी और मेरी सेम सेम ये ठीक है। खुशू अच्छी लग रही है ये, इसको कोई मतलब ही नहीं है, माचिस से खेल रही है। हाँ बताओ जरा कैसी लड़की है। तो ये ड्रेस मैंने अभी फाइनल करी है अपने रिसेप्शन पार्टी के लिए, शादी के लिए कुछ फाइनल नहीं हुआ अभी। ड्रेस तो मैंने आपको दिखा दी है, ड्रेस बहुत प्यारी लग रही है और मैं ये पूरी अपना डिज़ाइन करवा रही हूँ अपने लिए मैम से, इंदू मैम से। इनका इंस्टा मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कैसा भी आपको डिज़ाइन करवाना हो, कोई भी मतलब पार्टी में, जैसे कोई नॉर्मल पार्टी में जा रहे हो या बाहर जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, वेस्टर्न लुक, इंडियन लुक, जैसा भी चाहिए आपको सब मिलेगा। सब यहाँ वो जैसा भी आप बोलोगे सेम टू सेम वैसा ही आपको डिज़ाइन करके मिल जाएगा। तो जो प्राइस है वो आप आके यहाँ पूछ सकते हो। पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, इनका कॉन्टैक्ट नंबर सब डाल दूंगी। जिसको भी करवाना हो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। रोहिणी सेक्टर 9 में यहाँ पे इनका, ये आपका घर ही है? ये बेसिकली हम लोग यहाँ काम करते हैं, स्टूडियो है हमारा, स्टूडियो आपका, ये इनका स्टूडियो है। इनका एड्रेस सब कुछ डिस्क्रिप्शन में, आप आके विजिट कर सकते हो। जैसा मर्जी सिलवाना हो, शादी के लिए, रिसेप्शन के लिए, पार्टी के लिए, सब मिलेगा। तो मेरा सिलने के बाद आपको पता लग जाएगा कि कैसा सिला है, ठीक है। इसमें कम से कम मुझे अभी 1 मंथ का टाइम, 1 मंथ लगेगा, 1 मंथ बाद मुझे मिलेगा, क्योंकि पूरा वर्क करना पड़ेगा, उसमें पूरा डिज़ाइन होगा, तो उसमें टाइम तो लगता है। तो 1 महीना पहले आओ कोई भी किसी को भी सिलवाना हो तो। तो मैं अभी लेके आई हूँ, तो मुझे नेक्स्ट मंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो कैसा आएगा ये आपको नेक्स्ट मंथ पता लगेगा। फिर कलर फाइनल करने आऊंगी मैं 3-4 दिन में। तो बस इसका मेजरमेंट दे दिया है मैंने, दोनों का सेम सेम। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, मैं जा रही हूँ, मैं आती हूँ 4 दिन बाद। चलो चलते हैं आप दूसरी शॉप पे। या तो मैं करवाने आई थी, 45K मतलब 45,000 उस गाउन का बोला है, बाकी देखो क्या करते क्या नहीं। कभी है तो 50K पड़ जाएगा मुझे, मतलब 50,000 का पड़ जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा हैवी गाउन और मतलब मेन मेरे लिए हैवी किया रिसेप्शन के लिए, कि बहुत अच्छी लुक है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया। ये तो 5,000 से स्टार्टिंग है। दूसरी शॉप पर जाते हैं, मैं आपको लोकेशन दे रही हूँ किस पे जाना है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, आपको लोकेशन बता दूँ, नहीं तो कहीं और ले जाएंगे ये। तो हम आ गए अपनी दूसरी लोकेशन पे, जो कि है पीतमपुरा में। मैं आपको दिखा देती हूँ, मोहराया फैशन ओनली मोहराया पे। यहाँ पे रेंटेड अवेलेबल हैं और परचेज भी आप कर सकते हो। अच्छा खुशू, हेलो मैम। सो गाइस ये रेंटेड है, तो मेरे को 2 ऑप्शन थे, या मैं परचेज कर लूँ या मैं रेंट। मैं दोनों जगह आई कि जो मुझे ज़्यादा बेस्ट मिलेगा, रेंट या परचेज। परचेज मुझे 50,000 का पड़ रहा है, रेंट मुझे ये 10K 10,000 रुपये रेंट है 2 दिन का। देखते हैं कौन सा बेटर लगता है अभी। क्या आप नीचे रिव्यूज कहीं क्या करना चाहिए? हाँ, इससे ज़्यादा भी फ्लेरी रहता है क्या? ये तो मेरा महंगा लगे, मेरा गाँव नहीं लगा। तो गाइस हम तो वहाँ से आ गए हैं, क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप किसी शॉप पे जाओगे, अगर आपका कोई काम है, ठीक है, आप वहाँ पे एक बात करके जा रहे हो, तो आप उनके लिए कस्टमर, जैसे मेरा कोई काम होगा मेरे लिए कस्टमर मेरे फाइनल करना है तो
ब्लॉग ही बनाने थे, लेकिन मेरे को पर्सनली इतना बुरा लगा ना, वो ये भी जानती है कैसा लगा था, बहुत ही बेकार।